खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे जमनाहा तहसील के क्षेत्र के 12 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। वहीं बात करें तो भिनगा मल्लीपुर मार्ग समेत कई रास्तों पर पानी का बहाव तेज होने से आवागमन बाधित है। रास्ते में फंस गए लोगों को स्थान तक पहुँचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले, पहाड़ों पर हुई झमाझम बरसात के साथ तराई में हो रही बारिश का पानी आने से राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। मंगलवार की सुबह 4 बजे राप्ती बैराज पर नदी खतरे के निशान से 127.70 सेंटीमीटर को पार करते हुए 128.20 सेंटीमीटर पर पहुंच गई। जलस्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ जाने से तटवर्ती गाँव के लोग सहम गए। नदी से निकला पानी गांव की ओर बढ़ चला, इससे बाढ़ की स्थिति बन गई। आसपास के गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर पानी चलने लगा। सुबह 9 बजे तक नदी स्थिर रही। इस दौरान असरफा, अशरफ नगर, सर्रा, भैंसवा, उत्तमपुरवा, मिसिरपुरवा, नारायणपुर, बीरपुर, बरंगा, भवानीपुरवा, पिपराहवा, बलुआपुर समेत कई गांव पानी से घिर गए। भिनगा मल्लीपुर मार्ग पर बाढ़ का पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। रास्ते में फंसे लोगों को नाव की मदद से स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। बेमौसम बाढ़ की स्थिति से लोग घबराए हुए हैं। आसमान पर बादल घिरे हैं। दिन में रुक रुक कर बारिश होती रही। इस दौरान नदी घट रही थी, लेकिन लोग बाढ़ से बर्बाद लोगों को बाढ़ से बर्बादी का भय बना हुआ है।